मित्रों, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने पेंशन विहीन साथियों के चैनल NMOBS झारखंड में। जो इस चैनल में नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल बटन को दबाना नहीं भूलें। झारखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। विधानसभा चुनाव में जाने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो श्री हेमंत सोरेन ने रांची के हरमू मैदान में महारैली कर पुरानी पेंशन बहाली को पुनः बहाली करने की घोषणा कर दिया। श्री सोरेन ने हरमू मैदान में कहा कि सरकार बदलो और अपना पुराना पेंशन पुनः राज्य में लागू होगा। हेमंत सोरेन के इस घोषणा से झारखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि इसमें पहले भी हेमंत सोरेन ने 29 सितंबर को रांची के मोराबादी मैदान में भी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर चुके हैं। आइए देखते हैं हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या घोषणा की। हरमू मैदान से हेमंत की हुंकार। बदलो सरकार, पाओ अधिकार। हेमंत ने लगाई घोषणाओं की छड़ी। विधानसभा चुनाव में जाने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची के हरमू मैदान में महारैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में प्रदेश भर से जेएमएम कार्यकर्ताओं और समर्थक अपने नेता को सुनने रांची पहुंचे, लेकिन रैली में बड़े नेताओं के संबोधन से पहले बारिश विलेन बनकर सामने बरसने लगी। पानी से बचने की कोशिश में जुटे लोगों ने कुर्सी को ही छाता बना लिया, लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं आई। बारिश के बीच ही हेमंत सोरेन ने संबोधन शुरू कर दिया और इंद्रदेव की कृपा के लिए धन्यवाद दिया। हमारे किसानों को इससे राहत मिलेगा, हमारे ग्रामीणों को राहत मिलेगा। यहाँ पर जो सरकार मुहैया नहीं करा पाती है, कम से कम ऊपर वाले के माध्यम से हमें पीने का पानी का तो व्यवस्था जरूर। हेमंत सोरेन ने आगामी चुनाव में लोगों से सरकार बदलने का आह्वान किया और भरोसा दिलाया कि झारखंडी अपने हाथों से इस राज्य को संवारेंगे। सियासी बिसात पर चुनावी चाल चलते हुए हेमंत सोरेन ने वादों की छड़ी लगा दी। हेमंत ने कहा अगर जेएमएम की सरकार बनी तो झारखंड में दुमका समेत चार उपराजधानी बनेगी, जिसमें चाईबासा, हजारीबाग और पलामू नई उपराजधानी होगी। जेएमएम के शक्ति प्रदर्शन में दिवंगत रमेश सिंह मुंडा के बेटे विकास मुंडा ने शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेकर जेएमएम का दामन थामा और तब जन की सरकार पर दो भूमि गति से झारखंड को बर्बाद करने का आरोप लगाया। वहीं रैली के मंच से हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों को पुराना पेंशन देने का वादा कर दिया और अनुबंध के बजाय सीधी नियुक्ति का भरोसा दिया। सरकारी कर्मचारियों को आज इस मंच से घोषणा करता हूँ, सरकार बदलो और अपना पुराना पेंशन पुनः फिर से लागू होगा इस राज्य में। ये